आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना खतरनाक है, गाय का सिर देखो आप, हड्डियाँ बचाइए। ये अंकल मेला लग गया क्यों, अंकल का खाना खा रहे हैं, लस्सी भी खानी, वो क्या रख। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राजपूत ब्लॉग में। सो गाइज, मैं हूँ विनोद राजपूत और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल विनोद राजपूत ब्लॉग। सो गाइज, अभी मॉर्निंग के 7 बजे है एंड अभी मैं सो के उठाऊँ तो आप लोग, मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। एंड बाहर हो चुका है बादला, शायद अब मौसम ख़राब हो रहा है, दिसंबर मंथ भी लग चुका है तो बर्फबारी के आसार बहुत जल्दी है, तो कुछ भी हो सकता है अभी, देखते हैं पहले। एंड बाहर का मौसम दिखाता हूँ एंड अभी सो के उठाऊँ एंड अभी जाते हैं मम्मी मेरे पास एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। आज का प्लान मेरे को अभी एक बड़ी दूर जाने का है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, ठंड का मौसम हो चुका है शुरू एंड आप लोग देख सकते हो बादल ही बादल हो चुका है, तो अब कभी भी स्नोफॉल हो सकती है क्योंकि ठंड तो माइनस में टेम्परेचर तो अब आ ही गया है धीरे धीरे एंड अब मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो कुछ इस तरह से है। एंड अभी मैं ऊपर जाता हूँ एंड खाना खाता हूँ, तो मेरे को अभी बड़ी दूर जाना है, यहाँ से अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर एंड अभी, तो देखते हैं पहले ऊपर जाते हैं खाना खा लेते हैं घर वालों के पास जाके। बादल भी देखो कैसा हो रखा है, कभी भी बर्फ़ आ सकती है, बस यही है सर्दियों का नज़ारा। एंड अभी ठंड भी हो चुकी है, तो अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी घर की तरफ। सो गाइस, मौसम देखो आप क्या ही मस्त बना हुआ है, बादल हो रहा है, इधर से वैसे सूर्य दीप्त आते थे पर इधर भी बादल ही बादल हो रखा है एंड इधर भी, और देखो कितना मस्त लग रहा है अभी, वाओ। सो फैमिली, समय हो चुका है 8 और मैं चल पड़ा हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग के 8 बजे हैं, अभी मैं चला हूँ गांव की तरफ एंड वहां से बहुत नीचे जाने को, मेरे को गांव से अराउंड 2-3 किलोमीटर नीचे जिसको बोलते हैं चामन नाड़ी, और उससे भी नीचे वहां पे होता है घासनियाँ और वहां पे पौधे लगाए हुए हैं, तो वहां पे उन घासनियों में आग लग जाती है, जब सर्दी होता है तो सूख जाता है एंड वहां पे कोई भी आग लगा के चले जाते हैं तो पौधे जल के खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे पाल्टियां लगाई है, तो उन पाल्टियों को बचाने के लिए मेरे को वहां पे घास काटना पड़ेगा मशीन से एंड हल्का 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 तौलिए के अरे परे, तो उसके लिए मैं आज चला हूं एंड थोड़ा लंबे समय बाद जा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। तो गाइस, सर्दी आते आते आप लोग देख सकते हो किसी टाइम पूरा ग्रीनरी हुआ करता था, अभी पतझड़ का मौसम भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब हो चुका है शरद ऋतु स्टार्ट, जिसमें मॉर्निंग में आते ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं एंड बर्फ आने की संभावना भी है, लेकिन अभी बारिश तो है नहीं, बट बादल हो चुका है एंड बारिश कभी भी हो सकती है। अभी हल्के से सूर्य दीप्ता दिखाई जैसे दे रहे हैं, बट कोई चक्कर नहीं, आज काम करने को भी मजा आएगा एंड अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ एंड मज़ा भी आने वाला है, तो अभी देखते हैं कैसा कैसा होता है, अभी बहुत नीचे जाने को है हमको। अच्छा, काटते काटते मेरे को बहुत टाइम लग जाना है। जब हम चल पड़े हैं गांव से एंड अभी मशीन हमने गांव को पीछे छोड़ दिया है और हमारे साथ चल रही है आंटी आगे, मुझे मौसम का लोकेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, अंकल को गुस्सा आया हुआ है, अंकल को गुस्सा आया हुआ है, गाली देते हुए चले हमारे को। हाँ, पीछे जो बैठे हुए थे, तो बोल रहा हूँ मैं शाम की उतरी नहीं है, आऊंगा ही नहीं मैं, तो घर ही नहीं आऊंगा अगर नीचे से लाना पड़ा मेरे को, तो आऊंगा ही नहीं, घर ही नहीं आऊंगा। यार आंटी, शाम को तो लास्ट कंडीशन हो जाता है फिर तो, शाम को खत्म हो जाता है इंसान। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच में, ये पुराने खेत होते थे, यहाँ से सुबली गांव दिख रहा है नीचे एंड अगर परे को देखो तो खनेवली, और ये कुछ हम यहाँ बहुत ऊपर से आए हुए हैं, इससे ऊपर ऊपर जाके गांव है एंड इतने नीचे से यहाँ पे, और यहाँ पे लगाए हुए छोटे छोटे सैंपल के पौधे, पहले यहाँ पे कुल्थ मसर वाले लगता था, उस टाइम अनाज की ज़्यादा कीमत होती थी तो इस वजह से यहाँ पे लगाते थे वाला फसल एंड अब यहाँ पे हल्के हल्के पौधे लगा रहे, तो यहाँ पे आग लग जाता है, जो देख पा रहे हो आप लोग जितना भी है घास ये पूरा, तो इसमें आग लग जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे पौधे के चारों ओर घास काटना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो पहले इन खेतों में कोलतवरे लगता था, अभी खेत भी नज़र नहीं आ रहे, यहाँ से नीचे देख सकते हो आप लोग, दिखाता हूँ आप लोग, ये देख सकते हो नीचे तक, यहाँ पे भी कोल्त लगता था, तो अभी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 8 mm का फट्टा, यहाँ देख सकते हो आप नीचे तक
बगीचा ही बगीचा है एंड यहाँ से भी यहाँ काट रहे हैं हम लोग बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा। वही ना, ऐसे ऐसा भी हुआ है इनका है, पहले ठीक था इनका। ये अंकल मेला लग गया कि वो अंकल का खाना खा रहे, लस्सी भी खानी वो क्या रख। सो गाइस अभी अभी हमारा हो चुका है लंच एंड फिर से अब हम काटना शुरू करेंगे। अब हमारे पास कम ही पौधे रहे, हमने इधर इधर सारा काट दिया है जिस चीज में पौधे थे। एक जमाने में यहाँ पे बोला बहुत तगड़ी फसल होती थी, अब यहाँ पे बंजर हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना खतरनाक है गाय का सिर, देखो आप हड्डियाँ बचाई है शेर ने यहाँ पे खा के, यानी पूरा चीड़ का जंगल है। हमारे ऊपर तो देवदार का और उसका जंगल है कायल का, बट यहाँ पे चीड़ का है। पहले यहाँ पे जौ धान वगैरह लगता था, भाई गेहूँ वगैरह, लेकिन अब 15-20 सालों से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ से ऊपर जाके ऊपर जो छोटे छोटे घर दिख गाँव वो दिख रहे हैं पौधे, इससे ऊपर बहुत ऊपर है जाने को शाम को। एंड अभी हम लोग काटेंगे, ये हमारी मशीन। कितना मस्त लग रहा है मौसम भाई, ऊनियाँ काट रहे हैं, ये वाला नहीं दूसरे वाला नहीं होता। टॉमी कैसे देख रहा है ऊपर से, ये सोचते कहाँ फंसा है जंगलों के बीच में। क्यों अंकल, इसको तो ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में हूँ मैं तो, पर यहाँ से व्यू क्या मस्त आता है, वाह मस्त लगता है।